चलिए एक और नई स्टूडेंट से मिलते हैं, निधि गुप्ता, जो कि देहरादून से है और जिनका इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ इस बार और वो वहां से एमसीए कर रहे हैं। तो निधि, सबसे पहले आपको इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। तो निधि, आप क्योंकि देहरादून से हैं तो नॉर्मली कुछ जगहों पर अवेयरनेस का थोड़ा सा कम रहता है माहौल, तो आप ये बताइए कि आपको देहरादून में हो, आपने कब सोचा था कि आपको एमसीए करना है और फिर किस ढंग से आपने प्रिपरेशन की, क्योंकि आपने ऑनलाइन प्रिपरेशन की है, क्या क्या चैलेंजेस आए और अभी आपको अपने कॉलेज में मतलब इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी में कैसा लग रहा है? यस सर। सर सबसे पहले तो मैंने इसके बारे में अपने कॉलेज फ्रेंड से सुना था लास्ट ईयर में, जब हम बीसीए कर रहे थे, तो उसके बारे में सुना। पहले तो यही था कि किसी प्राइवेट कॉलेज से ही हम एमसीए कर लेंगे। देन आफ्टर हमें निमसेट वगैरह के बारे में पता चला, अलग अलग कॉलेजेस के बारे में पता चला, फिर हमें पता चला इसका एंट्रेंस वगैरह होता है, इसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फिर हमने सोचा कि एक बार खुद से एक बार ट्राई करके देखते हैं। फिर इसके लिए हम लोगों ने 1 ईयर का ड्रॉप करके खुद से ट्राई करा। देन फिर उसके बाद लॉकडाउन लग गया, फिर लॉकडाउन की ऐसा हो गया तो मतलब हमारी प्रिपरेशन छूट गई बीच में। देन ठीक है, आफ्टर सिलेक्शन दूसरे कॉलेजेस में हो गया, पर वो हमें चाहिए ही नहीं था, तो एनआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। फिर नेक्स्ट ईयर आपकी वीडियोस वगैरह देखी सर, उससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिली। फिर मैंने जैन से आपका कोर्स परचेज करा ऑनलाइन। फिर ऑनलाइन कोर्स परचेज करने के बाद आपकी क्लासेस देखी। सुबह प्रतीक सर की क्लासेस होती थी 8 बजे, देन आपकी शाम को क्लास होती थी। फिर उसमें रेगुलरिटी आई, फिर उसके लिए अब पढ़ा, फिर रेगुलर हुए उसके लिए, फिर मतलब कॉलेज वगैरह चाहिए था इस साल, तो सर फिर उसी से ही करके। बिल्कुल सही बात बोला निधि। देखिए, मेरे पास कई बच्चे जब जुड़ते हैं तो कई बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं और सेल्फ स्टडी से होता भी है, पर सेल्फ स्टडी से कई बार कमिटमेंट और रेगुलरिटी नहीं आ पाती और कई बार यस उससे सर, हमारा टाइम का बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। फिर हम नेक्स्ट ईयर जाके या अगले साल राइट जाके सर, करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा नुकसान हो जाता है। तो निधि, जैसे आपने जब फाइनल ईयर के साथ पढ़ाई की सेल्फ स्टडी और नहीं हुआ, तो जब आपने ड्रॉप का मन बनाया तो आपको कुछ प्रेशर आया घर वालों को या सपोर्ट मिला, या आपके ऊपर एक प्रेशर था कि ड्रॉप लिया है क्या होगा क्या नहीं होगा? सर सपोर्ट तो फैमिली का पहले से ही रहा है कि करो, मतलब कोई बात नहीं, तुम ड्रॉप ले रहे हो पर अच्छा सा रिजल्ट भी देना। ओके, तो सर और फिर 1 साल का ड्रॉप ऑलरेडी हो चुका था, तो प्रेशर तो थोड़ा बहुत अपने में था ही कि इस साल क्रैक नहीं करा तो फिर कहाँ से वही प्राइवेट कॉलेजेस से करने पड़ेंगे। तो सर ठीक है, उसका हाँ, फिर तो इसलिए सर फिर थोड़ा बहुत प्रेशर रहा, पर फिर टाइम के साथ सब कुछ मैनेज हो गया। आपके ऊपर प्रेशर था इस बात का कि मैंने सेकंड ड्रॉप लिया है और क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा मन में आता था यस सर, विचार? थोड़ा बहुत तो प्रेशर था ही कि सेकंड ड्रॉप लिया है तो करके तो कुछ करना ही है, मतलब कोई गवर्नमेंट कॉलेज के लिए प्रिपेयर करना ही है। फिर ओके, मेहनत के साथ करी, मेहनत करा तो फिर अच्छा रिजल्ट भी मिला उसका, हार्ड वर्किंग का। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी जो है आपको कैसा लग रहा है वहां पर और कैसा आपको सीनियर से रिस्पांस मिल रहा है, प्लेसमेंट्स कैसे हैं? क्योंकि ये गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं जिस तरह से एनआईटीज में होते हैं बिल्कुल वैसे ही, पर थोड़ा यस सर, अवेयरनेस कम है, इसलिए अभी बच्चे पर धीरे धीरे, लास्ट ईयर से जब से हमने स्टार्ट किया तो बच्चे अब धीरे धीरे सीरियस हो रहे हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? सर इंदिरा गांधी टेक्निकल यूनिवर्सिटी तो बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, मतलब ड्रीम कम ट्रू लाइक दैट। तो ओके, सर उसमें तो काफी जो सीनियर्स है हमारे काफी हेल्पफुल है, मतलब इन द सेंस कि कभी भी उन्हें कॉल करके पूछ लो या किसी भी स्टडी में हेल्प या इन द सेंस कि प्रोजेक्ट्स में हेल्प चाहिए हो तो एकदम वो सब बता देते हैं ठीक कि है, आपको ऐसे करना है या ऐसे करना है। सीनियर्स का काफी सपोर्टिंग है, ऊपर से फैकल्टी मेंबर्स इतने अच्छे हैं सर। रेगुलर क्लासेस होती है, जैसे हमने सुना था गवर्नमेंट कॉलेज में कई ऐसा होता है कि रेगुलर क्लासेस नहीं चलती, पर यहाँ पे ऐसा होता है कि टाइम ही नहीं है तुम्हारे पास कि तुम कुछ एक्स्ट्रा कर सको। स्टडी को लेकर इतने ज्यादा अवेयरनेस, मतलब बहुत ज्यादा इम्पेक्टिव है कि हम लोगों को पढ़ के आगे प्लेसमेंट्स अच्छी काफी अच्छी मिल जाए, इसलिए कोकरिकुलर एक्टिविटीज काफी ज्यादा है। तो कॉलेज में पूरा टाइम पता ही नहीं चलता सर कैसे निकल गया पूरा दिन, ओके। तो काफी अच्छी। और प्लेसमेंट का क्या आपको लगता तो है? प्लेसमेंट्स तो काफी अच्छी है, लास्ट ईयर सीनियर्स की प्लेसमेंट्स काफी अच्छी है, तो ओके, 100% प्लेसमेंट्स का रिकॉर्ड है सर। चलो, बहुत ही अच्छी बात है निधि, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब आप थैंक भी ऐसे ही एक अच्छा टॉप प्लेसमेंट लो। वंस अगेन ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यू सर।